नमस्कार साथियों, सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का नया डेटा सामने आया है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्फंड चिल्ड्रन। इन्होंने ये बताया है कि भारत में COVID-19 की महामारी की वजह से 3621 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है और लगभग 26176 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक पेरेंट को खो दिया है। सरकार ने इनके सहयोग के लिए, इनकी असिस्टेंस के लिए दोस्तों एक नया पोर्टल अनाउंस कर दिया है जहां पर कि इन बच्चों का पंजीकरण करवाया जा रहा है और जब तक इन बच्चों की आयु 18 वर्ष की नहीं होती है तब तक इनको स्कूल एजुकेशन का प्रावधान और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान दिया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की आयु तक इनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा सो दैट ये अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें और 23 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इनको 10 लाख का कॉर्पस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये सारा का सारा पैसा दोस्तों सरकार PM CARES फंड में से इनको अलॉट करने वाली है। धन्यवाद।